जय माता दी मित्रों, ज़्यादातर लोग श्री विद्या साधना ये इच्छा लेके करते हैं कि उनको धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हो। लेकिन आज का समय में जो श्री विद्या साधना सिखाया जा रहा है, ये अद्वैत श्री विद्या साधना जो कि संघार क्रम का साधना है, जो आत्म साक्षात्कार करवाएगा। धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आपको सृष्टि क्रम का श्री विद्या साधना करना चाहिए। अभी समझते हैं सृष्टि क्रम का श्री विद्या साधना क्या है, संहार क्रम का श्री विद्या साधना क्या है, और स्थिति क्रम का श्री विद्या साधना क्या है। देखिए, जैसे हमारा वैदिक मार्ग में कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड है। माने कर्म कांड के द्वारा आपका जो सांसारिक इच्छा है, जो कामना वासना है, उसी को पूर्ति करके, इच्छा को पूर्ति करके फिर आप उपासना करने के लिए आपका सामर्थ्य प्राप्त होते हैं, और उपासना करके फिर आप ज्ञान खंड में जाते हैं, जो अद्वैत स्थिति में जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि को आत्मसात करने के लिए उसको पचाने का सामर्थ्य आप में आ जाता है, क्योंकि आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। इसी प्रकार श्री विद्या साधना में ये जो अद्वैत स्थिति, अद्वैत साधना है, वो संघार क्रम का साधना है, जो आदि शंकराचार्य जी के गुरुदेव गौड़पादाचार्य जी का दिया हुआ जो सुबोधोदय स्तुति में वर्णन है, उन्हीं का प्रक्रिया है। वो संघार क्रम का प्रक्रिया है, वो सन्यासियों का मार्ग है, और जो आत्म साक्षात करने के लिए उसी में, वो प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि आपका जो संसार को समेटना होता है, मैंने आपका जो सिद्धि है, संसार है, ऐश्वर्य है, उसी को छोड़ना होता है आत्म साक्षात्कार करने के लिए। लेकिन अगर आपका पास कामना वासना है, धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए इच्छा है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि अभी जो स्थिति है, जो हकीकत है, उसी को स्वीकार करना ही हमारा शास्त्र सिखाता है। जब कामना वासना पूर्ति करके जो इच्छा है, इच्छा को पूर्ति करने के बाद आपका जब स्थिति बन जाता है, तब तो फिर आप जाते हैं संघार क्रम का साधना में। तो इसीलिए किया जाता है सृष्टि क्रम श्री विद्या साधना। सृष्टि क्रम श्री विद्या साधना में क्या, इसी में खासियत क्या है कि देखिए, जैसे अन्य साधना में जहाँ अणिमा लघिमा आदि अष्ट सिद्धि साधना का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, सृष्टि क्रम श्री विद्या साधना में उसको प्रारंभिक सिद्धि माना जाता है। आप देखेंगे श्री यंत्र में, जो श्री यंत्र का जो नीचे वाला हिस्सा है, तीन घेरा है चौकर का, उसी में उसको त्रैलोक मोहन चक्र कहा जाता है, भूपुर है वो। भूपुर में, भूपुर से आप शुरू करते हैं, भूपुर में ही वो से शुरू करते हैं, और इसी में जो तीन परकोट है, पहला जो परकोट है उसी को आप स्पर्श करते हैं सृष्टि क्रम साधना में, श्री विद्या साधना में। तो इसी में देखेंगे तो 10 सिद्धि शक्तियाँ हैं, अणिमा लघिमा महिमा आदि जो 10 सिद्धि शक्तियाँ हैं। और वो सेकेंड आवरण में आप देखेंगे तो आपका पास जो ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी बाराही महेंद्री चामुंडा महालक्ष्मी आदि अष्ट सिद्धियों का उपासना किया जाता है, उनको सिद्धि किया जाता है, और उसी में आपका किया जाता है अष्ट भैरव का, अशितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव का। फिर उसी जो तीसरा घेरा में मुद्रा शक्तियों का साधना किया जाता है, इनको सिद्धि किया जाता है। और श्री विद्या साधना इसीलिए प्रचलित है कि सिद्धि पाने के लिए इनमें जो प्रक्रिया है उसी में आसानी से सिद्धि प्राप्त होती है, इसीलिए इसी को किया जाता है सृष्टि क्रम, स्थिति क्रम और संहार क्रम से। संहार क्रम का साधना अभी बहुत प्रचलित है, जो भी सन्यासी मार्ग का साधना है तो। लेकिन सृष्टि क्रम का साधना जो, अगर कामना वासना आपको कोई इच्छा है प्राप्त करने के लिए, सृष्टि क्रम श्री विद्या साधना करना चाहिए, इसमें कोई दोष भी नहीं है। जो लोग साधना करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8260548191। वेबसाइट में जा सकते हैं, वेबसाइट है www.गीतानाथ.com। आज के लिए इतना ही।